मुसलमान को मोदी जी, योगी जी अपना किडनी, अपना लीवर भी दे दे, तब भी ये वोट नहीं करेगा। विकास के नाम पे तो लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 38,000 करोड़ रुपया आपको दे दिया, आपने वोट नहीं दिया, क्योंकि अयोध्या वासियों ने अपना जमीन देकर एयरपोर्ट बनवाया, मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या वासी ने अपने दुकान देकर रोड बनवाया, उनको मुआवजा ठीक से नहीं मिला। फिर भी विज्ञापन करता हूं सोशल मीडिया पे, जितने लोग अयोध्या वासी के लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं उनको सो सॉरी लिखना चाहिए सोशल पर, गलत बात है। ये बीजेपी को नहीं हराया, यहाँ एक खास व्यक्ति लल्लू सिंह है, उनको हरा दिया लोगों ने, सिर्फ लल्लू सिंह के नाम पे हरा दिया, लल्लू बीज डंके की चोट पे लाया, कोई रोक पाया क्या? मान दीजिए क्या कुछ लोग 35 पार्टी नहीं रोक पाई, क्या आप बात करती हो? कुछ लोग 35 पार्टी पूरी ताकत झोंक दिया। देखिए आज वो समय आ चुका है कि लोग अयोध्या के बारे में, अयोध्या वासियों के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं। ये वही अयोध्या नगरी है जहां 2-4 महीने पहले जब प्रभु श्री राम के आगमन की चर्चा शुरू हुई थी तो एक जश्न खड़ा हुआ था। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु श्री राम की, तो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लोगों की नजर इसी अयोध्या नगरी में पड़ी। लोगों को उस वक्त लगा था कि अयोध्या जैसी जगह दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। और देखिए यहां से जो लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आया, इसने वाकई में साबित कर दिया कि अयोध्या जैसा शायद कोई हो ही नहीं सकता। जिस बीजेपी ने संकल्प लिया था कि राम मंदिर हम हर कीमत पर बनवाएंगे, उसे बीजेपी को यहाँ के लोगों ने चुना ही नहीं, क्या वजह है? देखिए सब लोग पड़ताल अपनी अपनी कर रहे हैं, हमारी भी एक अपनी पड़ताल है और इसीलिए हम लोग अयोध्या पहुंचे हुए हैं, हनुमान गढ़ी मंदिर। सभी लोग परिचित भी हैं और यहाँ के जो महंत हैं राजू दास जी, हम चाहेंगे कि वो इस मसले पर थोड़ा अपने विचार व्यक्त तो करें ही, लेकिन पहले आप देख पाएंगे कि सोशल मीडिया बड़ी पावरफुल मीडिया बन चुकी है और अयोध्या वालों के लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं निवेदन करता हूँ सोशल मीडिया पे, जितने लोग अयोध्या वासी के लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं उनको सो सॉरी लिखना चाहिए सोशल पर, गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं। रही चुनाव जीतने और हारने की बात, तो बीजेपी स्वयं में अपने आप में मंथन करे कि हम यहाँ से चुनाव हारे क्यों है। अच्छा। नंबर दो, अयोध्या वासी ने बीजेपी को चुनाव जिताकर भेजा है, अयोध्या से 5,000 लीडिंग देकर हमने भेजा है, पास का विधानसभा है मिल्कीपुर। अच्छा। जहां से वर्तमान प्रत्याशी आते हैं, मुझको लगता है वहां से वो 8,000 वोट से चुनाव बीजेपी हारी वहां पर। थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर रुदौली है, रुदौली से 20 से 22,000 वोट से चुनाव हारे हैं। थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे बीकापुर, 27 से 28,000 वोट से हारे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे धरियाबाद, वहां से आप चुनाव हारे हैं। अयोध्या वासियों ने सदैव भगवान राम, सनातन संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व के साथ अपना सर्वस्व कुछ न्योछावर करके भी बीजेपी के साथ रही है और आज भी है, इसका प्रणाम स्वरूप है कि अयोध्या से आप चुनाव जीत कर गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ये चल रहा है प्रचार कि अयोध्या वालों ने मोदी को हरवा दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, ये सत्य नहीं है? अयोध्या मतलब मुख्य अयोध्या का, मुझको लगता है सोशल वालों ने पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ लिया। अच्छा। हाँ, मुझको यही लगता है कि सोशल वालों ने पूरे उत्तर प्रदेश को अयोध्या के नाम पर ही लपेट दिया कि हाँ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ। सही बात है, दुर्भाग्य है कि लोकसभा फैजाबाद से बीजेपी का हारना, 38,000 करोड़ का बजट, 1, 2, 3, 4 रुपया नहीं, 32,000 करोड़ से लेकर 38,000 करोड़ का बजट अयोध्या के डेवलपमेंट पर, अयोध्या के विकास के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा पे दिया। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ के जनप्रतिनिधि बीजेपी को नहीं हराया, यहाँ एक खास व्यक्ति लल्लू सिंह है, उनको हरा दिया लोगों ने, सिर्फ लल्लू सिंह के नाम पे हरा दिया, लल्लू बीजेपी को ले डूबे यहां से। यहां सिर्फ अगर फैजाबाद लोकसभा अगर हारे हैं तो बीजेपी नहीं हारी, लल्लू सिंह हारे, लेकिन देखिए ठीक है लल्लू सिंह ही हारे पर नाम तो बीजेपी का भी जुड़ा है और जब नाम जुड़ा होता है तो पहचान भी उसी से होती है। आज अयोध्या बीजेपी हारी है, पूरे देश में एक मैसेज चला गया है
जो सनातन के लिए बोल रहा था, जो सनातन के लिए खड़ा था, उसको ही सनातनियों ने हरवा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में अब लोग घबराएंगे कि सनातन का नाम हम लेकर अब कुछ आवाज नहीं उठाएंगे? मैं तो अपेक्षा करता हूँ बीजेपी सरकार से। अयोध्या तो झांकी था, मथुरा काशी बाकी है। स्टीलर के साथ ही वो कार्य करें और डंके की चोट पे जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया, उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ में जो ज्ञान बापी ऊपर का स्ट्रक्चर औरंगजेब ने बना कर रखा था उसको भी ध्वस्त करके वहां पर भी बाबा भोले का मंदिर का निर्माण करेंगे। और तो और मुझको लगता है कि मुल्ला मुलायम के बेटे अखिलेशुद्दीन को तत्काल चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचे और दर्शन करें और कहें कि आपने बड़ी कृपा किया कि इतना आपने वोट दिया है। तो वो एक लेटर लिखे माननीय प्रधानमंत्री जी को और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य बने। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि शाहिद गाह को ध्वस्त करके वहां मंदिर का निर्माण करेंगे। किसी भी बीजेपी के छोड़ के किसी भी दल में दम हो अगर हिंदू का एक भी तिल मात्र खून हो तो बोलकर दिखा देना। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है और बनाएंगे। मतलब आगे बीजेपी का संकल्प ये जारी रहेगा? अरे जारी रहे, क्यों छोड़ेंगे? जब मुझको पता है कि मुसलमान एक वोट मुझको नहीं करता। अब बताओ रामपुर की घटना है, 522 मकान सरकार से लिया और वहां एक वोट नहीं मिला। और तो दूर छोड़िए, मैं घटना बता दूं, पिछला जो चुनाव था विधानसभा का, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, मैं चुनाव प्रचार में था गोरखपुर और दो दिन पहले 500 मुसलमान योगी जी से मिलने के लिए आए हुए थे। रात का समय था, योगी जी ने कहा भैया आचार संहिता लागू मतलब चल रहा है और प्रचार बंद हो गई है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। तो मैं बड़ी निवेदन किया महाराज जी से, बड़ी साहस किया और बहुत साहस करके मैं उन मुसलमानों को योगी जी से मिलवाया, क्योंकि मैं लगातार वहां चुनाव प्रचार में था। ये रात की घटना है, 9:30 बजे की घटना है और मंदिर परिसर में 35 दुकान है मुसलमानों का, वोट वहां से मिला कितना? एक वोट मिला। 35 दुकान मुसलमानों का है जिसमें 170 वोटर थे, 170 वोटर थे, वोट मिला एक। जिसमें 240 वोटर थे उसमें मिला वोट तीन, जिसमें 1200 वोटर थे उसमें वोट मिला सात, जो मंदिर के आसपास के बूथ थे। तो कहने का मतलब है मुसलमान को मोदी जी योगी जी अपना किडनी अपना लीवर भी दे दे तभी ये वोट नहीं करेगा। मैं निवेदन करूंगा सनातन सनातन संस्कृति हिंदू हिंदुत्व के साथ आप कार्य करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हिंदू आपके साथ था है और रहेगा, जिसका प्रणाम स्वरूप है कि 240 जो घमंडिया गठबंधन के टीम सोनिया एंटोनो माइनो का बेटा 99 सीट ला पाया, वहां पर आप 240 सीट पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपको हिंदू ने वोट किया, हिंदू ने सपोर्ट किया। आप सनातन की बात करते थे, संस्कृति की बात करते थे, हिंदू की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, राम मंदिर की बात करते थे, राम मंदिर डेवलप किया आपने, राम मंदिर के अलावा काशी मथुरा पे काम किया आपने, देश के तमाम धार्मिक स्थल को पुनरुद्धार किया, तो आप जीत पाए हैं। सोशल के लोगों से मेरा निवेदन कि आप अयोध्या विधानसभा वालों को कमेंट ना करें, आप बोले मिल्कीपुर बोले, बीकापुर बोले, रुदौली बोले, दरियाबाद बोले तो चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन आप अयोध्या वासी को बोलोगे तो नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि अयोध्या वासियों ने अपना जमीन देकर एयरपोर्ट बनवाया, मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या वासी ने अपने दुकान देकर रोड बनवाया, उनको मुआवजा ठीक से नहीं मिला, फिर भी बीजेपी को वोट और सपोर्ट किया। इसके नाते मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप कतिपय अयोध्यावासी को कमेंट ना करें, आप बीजेपी के उन नेताओं को कमेंट करें जो नेता जनता के बीच में बैठे नहीं, जनता से चर्चा नहीं किया, जनता से संवाद नहीं किया, अपने कार्यकर्ता से वार्ता नहीं किया, अपने कार्यकर्ता को निकाला नहीं। आप उनसे कमेंट करें, उनसे जवाब मांगे, ना कि
अयोध्या विधानसभा वासियों को कुछ बोले। महंत जी, अयोध्या के बारे में जो सोशल मीडिया पर एक और बात बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो ये कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, राम ने समझा दिया कि राम उनको नहीं लाए हैं और दिखा भी दिया है। नहीं नहीं, देखिए ये मेरा भाव था, राम जी को कोई ला नहीं सकता, किसी के अंदर क्षमता नहीं, किसी के अंदर दम नहीं, इसलिए एक नारा था। नारा ये था क्योंकि राम मंदिर के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए कार्य किया। आप देखिए यही विपक्ष गोली चलवा दिया था, यही 84 कोसी परिक्रमा में जेलें में थे लोग, कितने कितने हिंदुत्ववादी नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं। इसके नाते मेरा भाव था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम जी को कोई ला नहीं सकता, एक नारा था, ये भाव था। इसके नाते हम भाव से भगवान को खिलाते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन सजा के रखते हैं और मैं मानता हूं भगवान खाते हैं। इसके नाते बीजेपी ने प्रयास किया राम मंदिर के लिए, इसके नाते एक नारा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और लाया भी, डंके की चोट पे लाया, कोई रोक पाया क्या? मानती जी क्या कुछ लोग, 35 पार्टी नहीं रोक पाई, क्या आप बात करती हो? कुछ लोग 35 पार्टी पूरी ताकत झोंक दिया, पूरी ताकत झोंक दिया, मोदी जी को फेल नहीं कर पाया। तो जो राम को लाए थे हमने उसको लाया, और जो सनातन की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा। फिर कान खोल कर सुन लो विपक्षी के लोगों, ठीक है उत्तर प्रदेश में कुछ सीट पा लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले चुनाव में तुमको जमीन में ऐसे रगड़ देंगे। अगर हिंदुत्व पे कार्य नहीं करोगे, सनातन पे कार्य नहीं करोगे, तुम्हारी शासन सत्ता सरकार थी, दंगा कराते थे, सिर्फ एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करते थे, सिर्फ मुसलमान ही तुम्हारे लिए भगवान थे। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का, सबको ठीक करके रखा है। महंत जी, मोदी जी के बारे में देखिए, जितनी भी हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं पिछले 5 साल कह लीजिए, खास तौर पर काफी मंदिरों में जाते हैं, जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं, अध्यात्म की तरफ उनकी जो रुचि है, कहीं ना कहीं विपक्ष ने इसको भी एक एजेंडा बनाया हुआ है। एजेंडा इस तरह से कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक ये मैसेज फैलाने का प्रयास किया है कि आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि पूरे अयोध्या वालों ने वोट तो मोदी जी को दिया है, और वो वोट हिंदूवाद के रूप में दिया है, ना कि डेवलपमेंट के रूप में दिया है। तो क्या अब आपके हिसाब से, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या डेवलपमेंट के रूप में, विकास पुरुष के रूप में उनको काम करना चाहिए, धर्म वर्म की राजनीति या धर्म की बात छोड़ देनी चाहिए, या सिर्फ धर्म की ही राजनीति करनी चाहिए, विकास छोड़ देना चाहिए? विकास के नाम पे तो लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 38,000 करोड़ रुपया आपको दे दिया, आपने वोट नहीं दिया। तो मोदी जी सनातन सनातन संस्कृति हिंदू हिंदुत्व के साथ चलेंगे तभी हिंदुस्तान में राज कर पाएंगे। विकास का नाम का कोई चीज नहीं है भारत में, कोई मतलब नहीं है, बौद्धिक उस स्तर पर पहुंच नहीं पाते, मतलब कोई मतलब नहीं, कितना भी कर लीजिए। आप बताओ, पूरे देश में रोडों का जाल बिछा दिया, पूरे देश में रोडों का जाल बिछा दिया, जहां जाओ वहीं काम चल रहा है, पैसा कहां से आ रहा है भाई? बीजेपी सरकार चाहे तब तो ये काम हो रहा है। अब पूरे देश में देखो, आजादी के 70 वर्ष के बाद हर घर बिजली पहुंच गया, सारे तार के जंजाल हर जगह नए खंभे लग गए 70 वर्ष बाद। किसने किया? बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। हर घर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, हर घर नल और जल के नाम पर, हर गांव में पाइप दौड़ा दिया, कल से हर गांव में टंकी बन रही, हर घर जो है पानी स्वच्छ पहुंचने लगेगा, हर घर इज्जत घर दिया। डेवलपमेंट तो इतना कि लोगों को याद भी नहीं है। और छोड़िए, नमक खिला दिया, चना खिला दिया, तेल दे दिया, सबको 5-5 किलो अनाज दे दिया, अब क्या दे दे? मोदी जी अपना किडनी दे दें क्या, लीवर दे दें क्या, गुर्दा दे दें क्या, क्या दे दें? इतना देने के बावजूद भी जिस प्रकार से एक विपक्षी ने कि संविधान मिटा देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, ये नारा देकर गोल मोल घुमाकर, आज देखिए कि लखनऊ के कार्यालय में सब खटाखट खटाखट लेकर पहुंच गए हैं कि मुझको 1 लाख रुपया मिलेगा। स्मृति ईरानी जी जहां आ रहे हैं वहां भी लोग खटाखट लेकर पहुंच रहे हैं कागज की, मुझको 1 लाख मिलेगा। तो जनता को गुमराह कर वोट लिया गया है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता से संवाद नहीं कर पाई, उनके कार्यकर्ता जनता के बीच में नहीं गया, और इस पर विपक्षी हावी होकर जनता के बीच में जाकर और इसका लाभ लिया। लेकिन
जो समापन की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। इसी के नाते 240 सीट मोदी जी पाए हैं। चलिए महान जी, आपने एक तस्वीर बहुत साफ कर दी हमारे दर्शकों के लिए कि देखिए जितनी भी कोशिशें की गई बीजेपी की तरफ से अलग अलग इलाकों में, देश के अलग अलग हिस्सों में, वो सब एक तरफ था, लेकिन जो बात अयोध्या के लिए थी उसकी चर्चा पूरे दुनिया में हुई। लेकिन फिर भी अब जो हार मिली है इसकी चर्चा भी दुनिया कर रही है। तो यहाँ गौर करने वाली बात ये होगी कि अयोध्या में जो हिंदूवाद के लोग हैं, जो बात करते हैं सनातन की, उन्होंने भर भर कर वोट दिया, क्योंकि अगर वोट नहीं देते तो 4 से 5 लाख मेरे हिसाब से जो लल्लू सिंह को मिले हैं वो शायद कभी नहीं मिलते। और बात रही डेवलपमेंट की, तो शायद लोग डेवलपमेंट जितना हो रहा है उसे देख नहीं पा रहे, उसे समझ नहीं पा रहे, या यूं कह लें वो समझना ही नहीं चाहते। सबका अपना अपना नजरिया है, आप भी अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।